तीन प्रकार के पराठे बनाना दिखाऊंगी जो आपने कभी खाए नहीं होंगे। बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्वादिष्ट, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बनाऊंगी चावल का पराठा। इसमें डालूंगी मैं चावल, लहसुन, हरा धनिया, प्याज, मिर्च। आपने चावल का पराठा खाया नहीं खाया तो इसको देख के आप जरूर बनाइएगा, और मुझे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मुझे बताएं भी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें जाएगा नमक, धनिया, सारे सूखे मसाले जाएंगे, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा पराठा बनाऊंगी मैं गाजर का पराठा, मलाई गाजर पराठा, बहुत ही टेस्टी। इसमें भी सारे मसाले जाएंगे। ये मैं बनाऊंगी, घी निकालते हैं तो घी निकालने के बाद उसका ऐसे इस तरह से खोआ निकलता है, इसका मैं पराठा बनाऊंगी। अब इसमें ऑप्शन है शक्कर डालकर आप मीठा वाला बना सकते हैं खोए का, और आप चाहें तो इसमें नमक मिर्च भी डाल सकते हैं, और गाइड्स इसकी गुजिया भी बनाई जाती है, और मिठाई में भी ये काम आता है। जब हम देसी घी निकालते हैं तो उसको हम इस तरह से वाइट निकाल लेते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं गाजर का पराठा बनाऊंगी। उसके लिए मैं ये आटा लिया है 100 ग्राम, और जो मैं चावल का पराठा बनाऊंगी और मावे का पराठा बनाऊंगी उसमें गेहूं का आटा और नमक और मिर्च डालिए और कुछ नहीं। इसमें डालूंगी मैं मलाई डालूंगी क्योंकि इसका नाम ही मलाई गाजर पराठा है। 1 चम्मच इसमें जाएगी मलाई। इसी पराठे में जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन सर्दियों में शरीर के लिए बहुत सही होती है, और ये मौसम सर्दियों का है तो पराठों का मौसम ज्यादा जाता है। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, नमक, इसमें मैं ऑप्शन है हल्दी डालूंगी, और मैं चावल के पराठे में लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक चावल में वैसे ही डाला हुआ है और आटे में भी तो कम डालूंगी। गाजर के पराठे में भी नमक जाएगा और थोड़ा सा मिर्च जाएगा। ये मलाई से आटा गूंदेंगे, उसके बाद जो थोड़ा सा पानी डलेगा, सूखा आटा जाएगा, जैसे हम परांठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंदेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा। इस तरह से हमारा आटा गूंद गया। इसमें घी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मलाई अपने आप घी निकाल देंगे, और ऑप्शन है अगर आप घी थोड़ा मलाई पसंद करते हैं तो गाजर में भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। इसे हम पहले चावल का पराठा बनाएंगे। गैस मैंने चालू कर दिया है तवा गरम करने के लिए। ये चावल का मटेरियल है, आलू के पराठे जैसा लग रहा है, आलू जैसे मटेरियल लग रहा है। इसको हम तवे पर वैसे ही बनाएंगे जैसे रोटी बनाते हैं। अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे गाजर और मलाई का। इसमें थोड़ा घी लगाएंगे ताकि इसमें अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए।
तरह से हम इसको पराठा वैसे ही बनता है जैसे पराठे, बस इसमें मटेरियल अलग अलग तरीके के बनते हैं। अब हम इसको भी वैसे ही बेलेंगे जैसे उसको बेला था। अब ये मैं मावे का बनाऊंगी, इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी प्रोटीन से भरा हुआ है। ये हमारा खोए का पराठा है। ये खोआ पराठा, चावल का पराठा, गाजर का पराठा, इसके साथ अचार, पापड़, दही कुछ नहीं, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। Not again, it's a red stick.